ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल। जहाँ की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। जहाँ की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। 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 कई बार अभिभावक और अध्यापक इस बात से झुंझला उठते हैं कि बच्चे टीवी देखते समय, कोई खेल खेलते समय या किताब पढ़ते समय उनकी मामूली हिदायतों पर भी ध्यान नहीं देते। बच्चे जिस काम में लगे हो उसके अलावा उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा हो उसे नजरअंदाज करने की काबिलियत उनमें इतनी ज्यादा होती है कि अगर उन्हें लाउडस्पीकर से भी कुछ कहा जाए तो
भी उनकी प्रतिक्रिया में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि उनकी इस बेरुखी का पीछे वैज्ञानिक कारण है। उनकी यह क्षमता दरअसल मस्तिष्क के विकास प्रक्रिया का अंग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चे जानबूझकर ऐसा नहीं करते, वो एक तरह की उपेक्षात्मक दृष्टि बाध्यता से गुजरा रहे होते हैं। यह उपेक्षात्मक दृष्टि बाध्यता मूलतः देखने और नजर डालने, सुनने और जो कहा गया है उस पर ध्यान देने के बीच का फर्क है। इसका परिणाम होता है जागरूकता का अभाव, खासकर उन चीजों के बारे में जो तात्कालिक ध्यान में न हो। बच्चों और बड़ों में फर्क। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस की प्रोफेसर नीली लेवी ने अनुसार बच्चे वयस्कों की तुलना में अपने आसपास की जानकारियों के प्रति कम जागरूक होते हैं। प्रोफेसर लेवी के अनुसार अभिभावकों और देखरेख करने वालों को यह समझना होगा कि किसी मामूली सी चीज पर ध्यान केंद्रित करने से भी बच्चे वयस्कों की तुलना में अपने आसपास के परिवेश से ज्यादा कट जाते हैं। वह बताती है, जैसे कोई बच्चा अपने कोट के बटन बंद करते हुए सड़क पर पार करते समय दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ियों पर शायद ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन वयस्क आसानी से ऐसा कर पाते हैं। जिस चीज पर आपका ध्यान हो उसके अलावा आसपास के परिवेश पर ध्यान देने की योग्यता उम्र के साथ विकसित होती है। लेकिन बच्चों को इस उपेक्षात्मक दृष्टि बाध्यता का फायदा भी होता है। आखिर कौन चाहता है कि हर बार पर उसका ध्यान बटे? अपने परिवेश के प्रति अनिभिज्ञ रहने से हमारी एकाग्रता और ध्यान बेहतर होता है। जरूरी है एकाग्रता। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हर किसी में एक हद तक एकाग्रता की एक निश्चित क्षमता ही होती है, और जब हम कोई महत्वाकांक्षी कार्य कर रहे होते हैं तो हमें एकाग्रता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रोफेसर लेवी कहती है, दिमाग का बड़ा हिस्सा इसके लिए समर्पित रहता है। यह बेहद कठिन कार्य है। हम उन चीजों पर तवज्जो नहीं देना चाहिए जो महत्वपूर्ण न हो। लेवी कहती है, इसके लिए आपको उपेक्षात्मक दृष्टि बाध्यता की जरूरत होती है, वरना आप एकाग्रता नहीं बना पाएंगे और ऐसे में दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। लेवी कहती है कि दिमाग हमारे अंदर यह भ्रम पैदा करता है कि वो हर समय हर चीज पर नजर रखते हुए है, और जब हम किसी बहुत जाहिर सी बात पर ध्यान नहीं दे पाते तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर रिचर्ड वाइजमैन ने मनुष्य की दृष्टि क्षमता का विस्तृत अध्ययन किया है। उनके अनुसार यह काफी जटिल चीज है। प्रोफेसर वाइजमैन प्रचलित सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में संशोधन करके इसका प्रयोग करते हैं। इस टेस्ट का विकास डैनियल साइमंस ने किया था। इस टेस्ट में दिखाया जाता है कि एक वीडियो में दिखने वाले एक गोरिल्ला की अनदेखी कर जाना कितना आसान है। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है, वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। Thank you.
आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम, पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे thank you.
अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम, अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा स्वर्ग से अपने दूतों को भेजता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, क्योंकि वो जानता है कि हम मनुष्य कमजोर हैं और स्वर्गदूत उन लोगों की सहायता करती है जो परमेश्वर से डरते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं। प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में बात विवाद किया तो उसको ये कहा, प्रभु मुझे डांटे, यहूदा 1:9। इनमें से कुछ स्वर्गदूत ऐसे भी हैं जो मनुष्य के रोजमर्रा के कामों, विचारों और भावनाओं का बोरा परमेश्वर को जाकर देते हैं। मत्ती 18:10 में लिखा है कि देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्ग पिता का मुंह सदा देखते हैं। कुछ स्वर्गदूत विश्वासी लोगों की प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों को उसकी सुरक्षा के बाड़े के अंदर रखते हैं ताकि शैतान और उसकी दुष्ट सेना उनकी हानि ना पहुंचाने पाए। कुछ स्वर्गदूत मुश्किल के दिनों में मनुष्य की सहायता करते हैं। दानियल 6:22 में लिखा है, दानियल राजा से कहने लगा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है। बहुत से स्वर्गदूतों का यह काम होता है कि वे अति पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने निरंतर खड़े होकर उसकी महिमा का गुणगान कर सकते हैं या करते हैं। कुछ स्वर्गदूत इसलिए ठहराए गए ताकि वे पापी मनुष्य को उनके पापों का दंड देने पृथ्वी पर आए और वे उन्हें नाश कर दे। दूसरा सैमुएल की पुस्तक में लिखा हुआ है, जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को अपना हाथ बढ़ाया तब यहोवा वो विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले स्वर्गदूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरौना नामक
एक यबूसी के खलियान के पास था। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उन्होंने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने किया और कुटिलता मैंने ही की, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने की विरुद्ध हो। दूसरा सैमल 24:16-17 वचन। यदि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे तो हम इन स्वर्ग दूतों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसा कि दानियल दूसरे नबियों ने देखा था। जब विलाम अपनी गदी पर बैठा जा रहा था, तभी उसकी गदी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखा दिया। गिनती की किताब 22:23 वचन। परमेश्वर के दूत जब पृथ्वी पर आते हैं तो कभी कभी वे अपनी आत्मिक देह को रूपांतरित कर अपने भौतिक शरीर में आ जाते हैं, धरती पर विचरण करते हैं, तब हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते। उत्पत्ति 19:1-22 पर लिखा है, लूत जब सदोम के पाठक के पास बैठा था, तब दो दूत उसके पास आए जो भौतिक शरीर में थे। इस वर्णन से ये बात सिद्ध हो जाती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को लोगों के बीच अपनी महिमा प्रकट करने के लिए सृजा है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में बहुत से सैनिकों को स्वर्गदूतों ने सहायता प्रदान की है। बहुत से ऐसे हार्ट ऑपरेशन के दौरान हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने डॉक्टरों की अगुवाई की। बहुत बार हमारे जीवन में भी स्वर्गदूत ने मदद की है। हम देखते हैं कि परमेश्वर भी चाहता है कि आपके घरों में स्वर्गदूत आए, आपकी सहायता करें और आपके जीवन में की समस्याओं को ध्यान से देखें और आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक ले जाएं। क्या आप चाहते हैं कि स्वर्गदूत आपके पास आए और आपकी सहायता करें? तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भेजेगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि हमारी आत्मिक आंखों को तू खोल, ताकि हम स्वर्ग दूतों के रहस्यों को जान सके जो तू स्वर्ग से हमारे लिए भेजता है, ताकि वो स्वर्गदूत हमारी सहायता कर सके। परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, अपने आंसुओं को बता सकते हैं, बीमारियों को बता सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।
श्रोताओ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले। कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।